नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर दोस्तों आप लोगों के अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा अमरूद जिसे हम जाम भी कहते हैं अमरूद खाने के कौन कौन से फ़ायदे हैं इस बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूँगा दोस्तों इसे कब खाना है कैसे खाना है इस बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों एक बहुत अच्छी औषधि है आ, मतलब जो आप अमरूद जो होता है वो तो ख़ुद फ़ायदेमंद होता है उसके अलावा उसकी पत्तियाँ भी बहुत लाभकारी होती हैं बहुत सारी बीमारियाँ ठीक करती हैं कब कैसे क्या खाना है संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है आप उसे दबा कर सब्सक्राइब करें बाजू में एक बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचें दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं देख रहे हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी आसानी से लाभ उठा सके दोस्तों अमरूद तो हम सभी खाते हैं कभी ना कभी और ये बहुत ही बढ़िया फल है अमरूद में विटामिन सी और शकरा काफ़ी मात्रा में होता है अमरूद में पैक्टन की मात्रा बहुत अधिक होती है अमरूद को इसके बीज के साथ खाना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है इसको खाने से पेट साफ़ हो जाता है अमरूद की जो है चटनी बना सकते हैं जेली बना सकते हैं मुरब्बा बना सकते हैं फल से पनीर बनाने में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत फ़ायदेमंद है अमरूद अब मैं आपको बताता हूँ इसके कौन कौन से फ़ायदे अमरूद हाई एनर्जी फूड है जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है ये तत्व तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है आप सभी और हम लोग भी जानते हैं कि मिनरल के बगैर जो है हमारे शरीर काम नहीं करता देखिए दोस्तों मिनरल्स जब कम हो जाता है तो जो है मिनरल्स के लिए जो है मल्टीविटामस की गोली दी जाती है जी हाँ दोस्तों उन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि आप अमरूद खाना चालू करें कितना खाना है किस समय खाना है ये मैं आपको प्रोग्राम के बीच बीच में बताता रहूँगा डीएनए को सुधारें अमरूद में पाए जाने वाले विटामिनस बी नाइन शरीर की कोशिकाओं और डीएनए को सुधारने में बहुत कारगर होता है तो दोस्तों अगर अपना डीएनए सुधारना चाहते हैं आप तो अपने आहार में अमरूद खाना चालू करें वो भी बीज समेत खाइए दिल का साथी अमरूद में मौजूद होता है जी हाँ दोस्तों अगर आप दिल से संबंधित बीमार हैं या परेशानी है और अगर नहीं भी है तो भी आपको जो है अमरूद अपने आहार में ज़रूर शामिल करना है क्योंकि अमरूद में जो है पोटेशियम मैग्नीशियम होता है जो दिल और मांसपेशी को दुरुस्त करने में और कई सारी बीमारियों को ख़त्म करने में बहुत लाभकारी होता है तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सब बीमारी ना पकड़े तो आप अपने आहार में अमरूद को लेना ना भूलें अमरूद को ज़रूर लें अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो अमरूद आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद ऐसी ताकत है क़ुदरती ताकत है दोस्तों कि वो आपके शरीर के अंदर ऐसी ताकत पैदा कर देती है कि कोई भी रोग आपको छू नहीं सकता अगर आपके प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है तो कम हो जाएगी तो कोई भी आपकी बीमारी आपको पकड़ सकती है अक्सर हम बीमार तभी पड़ते हैं जब हमारे शरीर के अंदर में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो अपने शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं अमरूद को अपने आहार में शामिल करें प्रतिदिन कम से कम एक बड़ा अमरूद ज़रूर खाएं खाने का समय वही है बढ़िया बिल्कुल दोस्तों आपको अमरूद को जो है वो आपको खाना है अपना जो आप नाश्ता करते हैं दिन का सुबह का नाश्ता जो करते हैं वहाँ आप ले सकते हैं बहुत बढ़िया रहेगा या फिर आप अपने लंच में ले सकते हैं लाभकारी रहेगा या फिर आप चार बजे ले बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों कभी भी अमरूद को रात के समय नहीं खाना चाहिए इस बात का ध्यान रखें अगर अमरूद आप खा रहे हैं तो छः बजे के पहले खा लें यहाँ दोस्तों सूरज डूबने के पहले आपको खाना है अमरूद और जो भी फल है आपको सूर्य उगने से लेकर सूर्य डूबने के बीच में खाना चाहिए कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका मैं बताते रहता हूँ कि उन्हें बिल्कुल सुबह उठ के नहीं खाना है यानी कि उठते ही नहीं खाना है तो दोस्तों अगर आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की सोच रहे हैं तो अमरूद को अपने आहार में ज़रूर शामिल करें एक बड़ा अमरूद कम से कम ढाई सौ ग्राम का होना चाहिए उसको आप लें अमरूद के नियमित सेवन से सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं का होना कम हो जाता है दोस्तों हम सभी सोचते हैं कि अरे अमरूद खाएंगे तो सर्दी हो जाएगी खांसी हो जाएगी नहीं दोस्तों गलत बात अगर अमरूद खाएंगे तो सर्दी और खांसी दूर हो जाएगी यही तो कमाल की बात है सभी लोग सोचते हैं कि अरे अरे अमरूद खाऊंगा तो खांसी हो जाएगी अरे जो है जो है जुकाम हो जाएगा बिल्कुल नहीं दोस्तों ये तो एक दवाई है आप जो है इसका सेवन करें इससे आपको जो है अगर सर्दी जुकाम है तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और नहीं है तब भी आपको खाना है ताकि आपको किसी प्रकार की बीमारी ना पकड़े सर्दी जुकाम ना हो अमृत में पाए जाने वाला विटामिन ए और विटामिन ई e आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है अगर आप आंखों की समस्या से परेशान हैं, रतौंदी है आँखों से दिखाई नहीं देता है तो आप अमृद को अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें इससे आपकी जो है आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी बीमारी से भी आपको छुटकी मिल जाएगी दोस्तों आँखों से संबंधित कोई भी रोग हो सब ठीक हो जाएगा अगर आप अपने आहार में एक अमरुद कम से कम ढाई ग्राम का अवश्य लें सुबेरे नाश्ते में ले सकते हैं दोपहर खाने में ले सकते हैं शाम को छः बजे के पहले आप अमरुद ले सकते हैं तो दोस्तों ज़रूर शामिल करें इससे आपकी आंखें होगी जो है एकदम रोशनी बढ़ जाएगी आंखों में किसी प्रकार का कोई रोग भी नहीं होगा अगर आपको नहीं है तो भी खाना है ताकि इस प्रकार का रोग आपकी आंखों में ना हो तो दोस्तों अमरूद में मौजूद लाइकोपिन नामक फाइटो फाइटोन्यूट्रीएट्स शरीर को कैंसर और ट्यूमर के खतरे से बचाता है तो दोस्तों अगर आपको है कैंसर तो अपने आहार में करें शामिल अमरूद को और अगर नहीं है तो भी आपको करना है ताकि आपको कैंसर ना हो स्वस्थ रहें आप भी आप अगर स्वस्थ तो हम स्वस्थ तो दोस्तों अमरूद को अपने भोजन में अवश्य शामिल करें जिससे आपको कैंसर नहीं होगा अमृत अमरूद में जो है बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर की त्वचा से संबंधित बीमारियों को ठीक करता है जो भी आपकी त्वचा से संबंधित कोई बीमारी है जैसे खाज खुजली ये सब के लिए बहुत लाभकारी है तो आप जो है अपने आहार में जो है अमरूद को शामिल करें त्वचा भी आपकी अच्छी हो जाएगी स्वस्थ हो जाएगी हेल्दी हो जाएगी अमरूद का नियमित सेवन करने से कब्ज़ की समस्या से, से राहत मिलता है जी हाँ दोस्तों अगर आप कब्ज़ की समस्या से परेशान हैं तो ये एक रामबाण औषधि है कब्ज़ के लिए दोस्तों इसको बीस समेत खाना है कम से कम ढाई सौ ग्राम ज़रूर खाएं या फिर एक अमरूद ज़रूर खाएं और पीस समेत खाना है दोस्तों अब आप चाहे तो थोड़ा सा कच्चा भी खा सकते हैं मीठा पका हुआ भी खा सकते हैं आप अपने हिसाब से अमरुद को तो खाइए अमृद जो है बहुत फ़ायदेमंद है फल के साथ ही अमरूद की पत्तियाँ वो भी बहुत मैंने आपको उस प्रोग्राम की शुरू में ही बोला था कि ये फल और इसकी पत्ती भी बहुत सारी दवाइयों में काम आती है तो जब भी कभी बाज़ार में अमरूद ख़रीदने जाए हो सके तो अपने घर में ही हम जो है अमरूद या जाम का जो है पौधा लगा लें तो इसके जो फ़ायदे हैं वो ज़बरदस्त है पत्तियाँ पत्तियों का सेवन मुंह के छालों के लिए बहुत लाभकारी है अगर आपके मुंह में छाला पड़ गया है तो आप जो है पत्ती जो होती है उसका जो है उसको कूट के उसका जो है पानी में उसको जो मिला के उसको छान कर उसका कूला करें कूला करने से छालों में राहत मिलेगी अमरूद का रायता चटनी अचार और शेख खाने का स्वाद बढ़ा देता है साथ ही आपको विटामिन देता है अमरुद में मेटालज्मी को सही रखने और शरीर में केलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रण करता है अगर आप कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना चाहते हैं तो अमरूद को अपने आहार में जरूर शामिल करें कोलेस्ट्रॉल यहाँ दोस्तों एक कितने ज़बरदस्त आप जानते हैं अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल दोनों होता है तो बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में अमरूद बहुत लाभकारी है तो अगर आप चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करना तो अमरूद को अपने आहार में ज़रूर शामिल करें कच्चे अमरूद के पत्ते अमरूद की अपेक्षा विटामिन सी अधिक पाया जाता है इसलिए कच्चे अमरूद खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जब भी मौका मिले कच्चा अमरूद खाएं नहीं मिले तो पका भी खा लें लेकिन कच्चा अमरूद बहुत फ़ायदेमंद होता है अमरूद में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है इसलिए ये डायबिटीज़ के मरीज के लिए रामबाण औषधि है जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ है उसे अपने आहार में जो है अमरूद को ज़रूर शामिल करना चाहिए थायराइड थायरॉइड में डॉक्टर जो होते हैं वो अमरूद खाने की सलाह देते हैं अगर आप थायराइड से परेशान हैं तो आपको करना क्या है थायराइड से परेशान है तो आपको अमरूद खाना है जिससे आपका थायराइड ठीक हो जाएगा दो, दोस्तों पेट दर्द में अमरूद की पत्ती को बारीक पीसकर काले नमक के साथ चटने से पेट दर्द ठीक होता है अपनी माद और अफरा के लिए अमरूद बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है उत्तम औषधि है इस रोगी से पीड़ित व्यक्ति को 250 सौ ग्राम अमृत भोजन के बाद खाना चाहिए जिन लोगों को ना हो उन्हें खाना खाने से पहले खाना चाहिए बवासीर सुबह खाली पेट 200 से 300 ग्राम अमृत प्रतिदिन नियमित रूप से सेवन करने से बाबाशिर में लाभ होता है कुछ दिन तक रोज़ाना खाली पेट में 250 ग्राम अमृत खाएं बाबा सिर ठीक होना निश्चित है ये एक रामबाण औषधि है बाबा सिर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कब्ज़ अच्छी किस्म के तरोताज़ा बड़े अमरूद लेकर उसका छिलका निकाल कर टुकड़े कर लें और धीमी आँच आग पर पानी में उबालें जब अमरूद आधा पक कर नरम हो जाए तब नीचे उतार कर कपड़े में डालकर पानी निकाल लें इसके बाद इसमें तीन गुना शक्कर लेकर चाशनी बनाएँ और अमरूद के टुकड़े उसमें डाल दें फिर उसमें इलायची के दाने डाल के आप मुरब्बा बना लें 20 से 25 ग्राम रोजाना खाने से कब्ज़ ठीक हो जाता है खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है एक कच्चे अमरूद को चाकू से कुरेद कर उसका थोड़ा सा गुद्दा निकाल लें फिर इस अमरूद में पीसी हुई अजवाइन तथा पिसा हुआ काला नमक छः छः ग्राम की मात्रा लेकर भर दें इसके बाद अमरूद पर कपड़ा लपेट उस उसमें गीली मिट्टी का लेप चढ़ाकर आग में भून लें पकने के बाद इसके ऊपर की मिट्टी और कपड़े को हटाकर अमरूद को पीस लें इसे आधे आधे ग्राम की मात्रा में शहद के साथ सुबह शाम खाएं, खांसी ठीक जल्दी घाव भरना अमरूद के पत, कोमल पत्ती उबाल कर पीने से पुराने दस्त का रोग ठीक होता है दस्त के अलावा आतों में सूजन आना घाव हो जाना दो से तीन महीने लगातार ढाई सौ ग्राम अमरूद रोजाना खाने से दस्त में लाभ होता है अमरूद में टैनिक एसिड होता है जिसका प्रधान काम घाव भरना होता है तो दोस्तों अगर घाव अगर पुराना है तो आप अमरूद को खाना नहीं छोड़ें दो से तीन महीने तक लगातार अमरूद खाएं इससे आपका घाव भर जाएगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए नमस्कार जय हिंद